नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों का ये प्रश्न है, शॉर्ट टाइप प्रश्न है, जो कि आप लोगों को 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न को सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो हम लोग जो है मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको मान लिए। तो अब जो है साइन इनवर्स को यदि हम उस पार भेजते हैं तो ये मेरा एक्स बराबर हो जाता है साइन थीटा, हो जाता है एक्स बराबर साइन थीटा। अब हम लोग जो है साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा को हम लोग जो है कॉस पाई बाय 2 जो है 90 डिग्री का मान होता है, हम पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। तो इस यही साइन थीटा को हम लोग इस रूप में लिखे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिए। अब जो है यहाँ पे जो है एक्स बराबर साइन थीटा था और साइन थीटा का स्थान पर इतना रख दिए, तो ये मेरा हो गया एक्स बराबर कॉस इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये कॉस को हम इस पार ला लिए तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा को इस पार ला लिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बाय 2। अब देखिए हम लोग थीटा बराबर क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये मेरा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 प्रूव्ड हुआ। बहुत आसानी से आप लोग भी इसे प्रूव्ड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, नेक्स्ट प्रश्न है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर 4 माइनस 1 वन थ्री। यहाँ पर जो है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। यहाँ पर जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये जो है ये जो है डिटरमिनेंट जो सॉल्व होता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू माइनस, ये माइनस हो जाता है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बराबर, ये भी उसी प्रकार से सॉल्व होता है, क्रॉस 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1, उसी प्रकार से ये सॉल्व करने के बाद ये जो है एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू हो गया प्लस 2x, 1 इंटू एक्स हो गया प्लस एक्स, 1 इंटू टू हो गया प्लस 2 माइनस, ये यहाँ भी जो है एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन तो माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 4 तिया 12 माइनस, यहाँ माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1, ये मेरा हो गया प्लस 1। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर 2x और प्लस एक्स तो 3x हो गया प्लस 2। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स और माइनस 3x, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आ जाए माइनस 4x होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 बराबर 12 1 13। अब हम लोग जो है देख रहे हैं यहाँ पर ये कट रहा है, एक्स स्क्वायर ये प्लस में था ये माइनस में था, कट गया। अब ये 4x 3x हो गया 7x, ये देखिए 2 जो है और ये -3 है, तो यहाँ -1 बच रहा है, इस -1 को जो है -1 बराबर
सेवन एक्स माइनस वन बराबर 13, एक इधर उस पार जाएगा बराबर को उस पार, तो प्लस वन, तो सेवन एक्स बराबर 14, तो एक्स का मान निकल गया 2, तो ये आपका एक्स का मान निकल गया। यही हमको सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।